मासिक सत्संग कार्यक्रम का डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक साल से ज्यादा हो गया, दिसंबर माह आएगा वो दो साल हो जाएगा, लगभग दिसंबर में पूरा दो साल हो जाएगा। सत्संग से कितने लोगों को लाभ होता है नहीं होता है, जो सत्संग के प्रति रुचि लेंगे वही जानेंगे। जैसे अभी आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, तो सत्संग में बैठे हैं तो आप लोगों ने एक निर्णय लिया सत्संग में बैठे हैं तो आप लोगों ने एक निर्णय लिया कि मुझे सत्संग में जाना है। मतलब जाने अनजाने एक दूसरा निर्णय और क्या हो गया, आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं तो एक निर्णय लिए कि मुझे सत्संग में जाना है, लेकिन जाने अनजाने दूसरे एक निर्णय और हो गया कि मुझे बैठ करके मोबाइल नहीं चलाना है, मुझे घर में बैठ करके टीवी नहीं देखना है, मुझे घर में बैठ करके निंदा चुगली नहीं करना है। ये सारे निर्णय को आप लोगों ने किनारे कर दिया। आप लोग सत्संग के प्रति रुचि लिए, एक निर्णय लिए और ना जाने अनजाने में कई निर्णय उसके सामने आ गया है। कौन सा निर्णय? टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं चलाना है, एक दूसरे के साथ निंदा चुगली नहीं करना है। लेकिन एक आदमी के पास इन्विटेशन गया, वो इन्विटेशन देखा, मोबाइल चला रहा है, एक दूसरे के बारे में निंदा चुगली कर रहा है, एक दूसरे की राजनीतिक चर्चाएं चल रही है, घर में लड़ाइयां चल रही है। मतलब उन्होंने अस्वीकार कर दिया। किसको अस्वीकार किया? सत्संग को अस्वीकार किया। मतलब उन्होंने कई और अलग से निर्णय लिया कि मुझे वो रुचि है। लेकिन कई लोगों की मजबूरियां भी होगी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, मेरी मजबूरी थी नहीं आ पाए। सत्संग से दूसरों को फायदा हो या ना हो, खुद को फायदा होता है। कम से कम उतना समय हम बचे रहते हैं, कम से कम विचारों से हमारे अलग अलग विचार हमारे अंदर आते हैं, कई प्रकार के चर्चाएं होती है, कई प्रकार के नए चर्चाएं पैदा होती। लोगों को भीड़ पसंद है। अभी बालोद में प्रदीप मिश्रा जी का अभी चला था चार दिन का, करीब करीब वहां बता रहे थे 17 से 18 लाख भीड़ रही। भीड़ पसंद है, अच्छा ही पसंद नहीं है, यह हकीकत है। और सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य को पीने के लिए हिम्मत चाहिए, सत्य को हजम करने के लिए ताकत चाहिए। सत्य को हमको ऐसे पी जाना है जिससे गूट कर जाना है, जीवन में अमल कर जाए उस सत्य को, और सत्य के प्रति इतना जागरूक हो जाए हम कि सत्य कभी कड़वा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जितना ही सत्य कड़वा लगता है उतना ही हम सत्य से दूर होते चले जा रहे हैं। और जिस दिन सत्य अच्छा लगेगा मतलब हम सत्य के प्रति रुचि ले रहे हैं। जब सदगुरु कबीर साहब हुए तब वही सत्य का डंगा पीटते रहे, और चौराहों में, बाजारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, कहीं भी किधर भी गए, जैसा देखे वैसे कह दिए, डरे नहीं हो, डरे नहीं। चौराहों में, बाजारों में, कबीर साहब कहते हैं, लिया लुआठा हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। वो कहते हैं, मैं बाजारों में कहता हूं, आवाज दे करके कहता हूं, जो घर को जला दे वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। घर क्या है? जिस घर में रहते हैं वो अहंता ममता की घर, ईसा की राग की द्वेष की घर, इन सबको जला दे वो मेरे साथ जा सकता है, कोई हिम्मत वाला ही जा सकता है। इसलिए सही दिशा में जाना कोई विरले लोग होते हैं। और इसीलिए मैं एक बार और चर्चा में कहा था कि कबीर पंथ की शिक्षा, और कबीर पंथ और कुछ कुछ और मत पंथ है जिसमें शिक्षा अच्छी दी जाती है, जहां नाच नौटंकियां कम चलती हैं, जहां जीवन का उद्देश्य बताया जाता है, बहुत सी जगह है, राधा स्वामी भी होता है, ओम शांति में भी है, गायत्री में भी है, लेकिन उन जगहों पर भीड़ कम होती है, उन जगहों पर भीड़ कम होती है, उन जगहों पर भीड़ अधिक होती है जहां ज्यादा रोक टोक ना हो, रोक टोक ना हो।
उज्जैन में काल भैरव मंदिर है, वहां शराब की मदिरा चढ़ती है। क्या भगवान भी मदिरा पीता है? तो बाबा अभी हुआ है एक धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा कोई बुरा नहीं है उसमें, शराब चढ़ाना कोई बुरा नहीं है। वक्ता लोग भी क्या बोल देंगे उसकी ही चलती है, लोग आंख मूंद करके स्वीकार करते हैं। क्या शराब पियेंगे? शिव बोले शराब पियेंगे। शिव के मंदिर मतलब होता है अपने अंदर शिवत्वपन को जगाना है, बुराइयों से हटते जाना है, जहर को पी जाना है। लेकिन अब के शिव भोले में से, अभी शिव भोले के जितने पुजारी हैं उसमें से 99.5% लोग, मतलब आधे प्रतिशत लोग नहीं होंगे जो आदमी अंडा मांस मछली गुटखा शराब तंबाकू से बचे हो, जितने शिव के पुजारी हैं। अच्छे अच्छे पुजारियों को देखा है मैंने, कबीर पंथ से जुड़े थे, लेकिन कबीर पंथ से जुड़ने के बाद में धीरे से वो किस में चले गए? शिव भोले में चले गए। क्यों चले गए? बाद में पता चला यहाँ कबीर पंथ में बहुत ऑब्जेक्शन है, कहेंगे तुम बीड़ी मत पियो, गुटखा मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, चिकन मत खाओ, होटल में जाकर के चिकन बेयर मत पियो। इतना ऑब्जेक्शन कौन? इससे अच्छा हम अपनी जिंदगी जिए, और अपनी जिंदगी नहीं नरक की जिंदगी जीते हैं लोग, नरक की जिंदगी। इसलिए लोग कबीर पंथ से दूर हटते चले जाते हैं, और अंतिम में शिक्षा क्या मिलती है? वो आदमी जीता तो है जैसे भी जी लेता है, और जब जाता है तो फैमिली के साथ भी जाता है, होटल में बैठता है, बियर भी पीता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी देखता है पीता होटल में जाकर के पीता था, लेकिन बच्चा घर में पीता है, और घर में पीता है और इतना सवार हो जाता है कि जिस दिन जूता उठा करके अपने ही पिता के सिर पर जूता लगाता है तब लगता है मैंने बच्चों को जैसे शिक्षा और संस्कार देना चाहिए था शायद मैंने नहीं दे पाया, मैंने बच्चों को गलत शिक्षा और संस्कार दिया, उसी का परिणाम है आज मेरे बच्चे मेरे कहा नहीं मानते हैं। पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन आदमी शून्य की ओर चलता चला जा रहा है। जिसको पकड़ना चाहिए, जिसको अर्जन करना चाहिए, जिसको अपने जीवन में ढालना चाहिए, उन चीजों से दूर हटता चला जा रहा है, और जो अंत में हम सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे ना, उसी के लिए पकड़ पकड़ पकड़, वही राग द्वेष। धन की जरूरत है, लेकिन धन गलत ढंग से ना कमाए, सही ढंग से कमाए। लेकिन आदमी अब क्या करता है? धन भी कमाता है और मंदिर में जाकर के उड़ेड़ देता है धन को। धन भी कमाता है और एक रुपया इकट्ठा करता है और बाबा और पंडितों के जाल में फंस करके पैसा को पूरा लुटा देता है। क्या मतलब है ऐसा धन कमाने से? जब हमको 40 रुपये 50 रुपये में हरी सब्जी मिल सकती है तो क्यों हम 500 रुपया 1000 रुपये के चिकन बैरानी खरीद करके हम खाए, जिसमें किसी जीव की हत्या होती हो? ये सब आदमी की नासमझी और कमजोरी का परिणाम है। आदमी को अपने जीवन पर, अपने बाहों बल पर, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं रह गया है, भगवान के भरोसे। और जितना आज ये ब्राह्मणवाद फैला है ना, एक ने लिखा है इस भारत देश का विकास कैसा होगा जहां PhD करने वाला व्यक्ति 5वीं फेल पंडित से जाकर के अपना भविष्य पूछता है। उन्होंने लिखा है कि इस भारत देश का विकास कैसा होगा जहां PhD करने वाला व्यक्ति, जो पूरा दुनिया को चलाने की क्षमता रखता है, वो आदमी अपना भविष्य एक 5वीं फेल ब्राह्मण से जाकर के अपना भविष्य पूछता है, एक बैगा से झाड़ फूक करने वाले से अपने भविष्य पूछता है, जो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर पाया, जो राग का भभूत दे करके बैठा है, जो दो दो चार चार पैसा के लिए तरस रहा है, जो बीवी और बच्चे से प्यार से बात नहीं कर सकता, जिसके खुद के बच्चे नहीं है, वो दुनिया को बच्चे बांटते फिरते हैं, जिसके पास खुद धन नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पूजा करो तो तुम्हारे पास धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, वो खुद दरिद्र बना बैठा है, कड़वे शब्द में खुद दरिद्र बन करके बैठा है और दूसरे को धन दे रहा है। क्यों हो रहा है ये? आदमी जब आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है ना, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता है, तब ऐसे लोगों के झांसा में जाता है आदमी। इसलिए करना क्या है? सदगुरु कबीर की एक साखी है, इतनी सरल साखी है, कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वहे
सोकस मरे प्यास। ये बाहर से अलग से परमात्मा, बाहर खुदा, बाहर भगवान, बाहर देवता मानने वालों के लिए भी है, और जो हम जैसे साधारण लोगों के लिए भी है, और उच्च कोटि के साधकों के लिए भी है, सबके लिए है। पंक्ति सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कर बहिया बल आपनी ऐ लोगों, कर बहिया बल आपनी, अपने बाहों बल पर भरोसा करो, अपने बाहों बल पर भरोसा रखो, अपने बाहों बल पर इतना विश्वास रखो, इतना योग्यता पैदा करो अपने बाहों बल पर कि दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाए तो अपने आशा और भरोसा और अपने विश्वास और अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन का निर्माण कर सको। सदगुरु कबीर का संदेश है। छाण बिरानी आस, ये छाण बिरानी आस कैसी बात है? क्या हम दूसरों की आशा भरोसा छोड़ दें? इस संसार में रहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब उसके लिए नहीं कहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो भगवान के परमात्मा के चक्कर में अपना समय काटते हैं, और जो कहते हैं वह वही है, वही जो राम रची रखा, उन लोगों ने कहते हैं जो कहते हैं कि जो कुछ होगा भगवान की कृपा से होगा, जो कुछ होगा परमात्मा की कृपा से होगा, जो कुछ होगा उन्हीं की कृपा से होगा, वो उन लोगों के लिए कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि अपने बाहों बल पर भरोसा रखो, छाण वीरानी आस, दूसरों की आशा भरोसा छोड़ दो। फिर सदगुरु कबीर साहब क्या उदाहरण देते हैं? जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। जिसके आंगन में पवित्र नदी बह रही हो, कोई आदमी प्यासा मरे तो उसको नदान ही कहा जाएगा, उसको नदान ही कहा जाएगा। जब हमारे सामने नदी बह रही हो तो उससे पानी लेकर के हमको पानी पी लेना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब व्यंग करते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हासी। वही साखी से मिलते जुलते बात है, आत्म ज्ञान नहीं होने पर वो बात है। सदगुरु कबीर साहब इसमें एकदम स्पष्ट कर देते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जैसे नाभ मृगा कस्तूरी बन बन फिरे उदासी। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? आत्म ज्ञान के बिना कोई मथुरा जाता है, कोई काशी, कोई हरिद्वार, कहीं भी भटक रहा है आदमी। घूमना गलत नहीं है, मनोरंजन गलत नहीं है, लेकिन अपने से अलग परमात्मा के चक्कर में अपना समय बर्बाद करना, अपना शक्ति बर्बाद करना, अपना धन द्रव्य बर्बाद करना, और बच्चों को गलत दिशा ले जाना, ये गलत है। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं, जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है और वो क्या करता है? मृगा बाहर घूमता है, बाहर मृगा सुगंध बाहर से ले रहे, कहीं सुगंधित बाहर से महसूस होकर के बाहर बाहर जंगल जंगल भटक रहा है। वही स्थिति हम सब की है यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो, आत्मज्ञान नहीं हुआ तो वही स्थिति हम सब की है। इसलिए हम सबको सदगुरु कबीर की पंक्ति याद करना चाहिए। और सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे निराले संत हुए जो कहीं भी एकदम डंके के आवाज में, डंके के चोट में, खुली आवाजों में, बाजारों में, चौराहों में कहे कभी डरे नहीं, कभी डरे नहीं। अब ब्राह्मणवाद पर इतना उन्होंने करारा जवाब दिया है, बहुत सारी बातें कहे हैं। इसलिए हमको करना क्या है? अपने बाहों बल पर भरोसा रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे आपसे प्रश्न करे कि पापा तुम क्या करते हो, मम्मी तुम क्या करते हो, जब आप किसी भगवान की पूजा करते हैं और आप किसी भगवान मान लेते हैं। अजब विडंबना की बात तो ये आ जाती है, आदमी को गोबर पर विश्वास होता है, गोबर का भगवान बना लिया विश्वास, मिट्टी का भगवान बना लिया उस पर विश्वास, पत्थर का मूर्ति बना लिया उस पर विश्वास, एक फोटो रख लिया उस पर विश्वास, एक आटा का कुछ बना लिया उस पर विश्वास, कोई मूर्ति बना लिया उस पर विश्वास, सब पर विश्वास है, सब पर विश्वास है आदमी को। और आश्चर्य की बात यह है कि अपने आप पर विश्वास नहीं है, दुख की बात यह है कि अपने आप पर विश्वास नहीं है।
अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है, अपने जीवन पर विश्वास नहीं है, अपने प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है। किस पर विश्वास है? ये कहां से आया इतनी बुद्धि? ये ब्राह्मणवाद है। ये ब्राह्मणों ने इतना ये आदमी के अंदर भर दिया, आदमी बच्चा पैदा कर सकता है लेकिन बच्चे का नाम नहीं रख सकता है। आदमी मकान बना सकता है लेकिन मकान बनाने के बाद उसमें रह नहीं सकता जब तक ब्राह्मण आकर के गृह प्रवेश न कर दे, ब्राह्मण आकर के वहां तंत्र मंत्र न कर दे, तब तक आदमी उसमें नहीं जा सकता। आदमी योग्य हो जाने पर शादी के लिए लड़की देख सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता है, उतनी योग्यता नहीं है। शादी करने के लिए वही ब्राह्मण चाहिए। कुछ जगह शुरू हुआ है, इधर बिलासपुर साइड जाएंगे तो कोई ब्राह्मण नहीं बुलाते हैं, कोई साधु संत भी नहीं बुलाते हैं। अपना परिवार परिवार के लोग अच्छे ढंग से शादी कर लेते हैं। ब्राह्मणवाद के चक्कर में, पंडित पुजारी के चक्कर में, मुहूर्त के चक्कर में अपना समय और शक्ति, आज भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग मुहूर्त देखते हैं, आश्चर्य होता है। अभी बहुत बड़ा तांडव शुरू हुआ था लेकिन कुछ समझ में लोगों की आई। अभी भद्रा काल चल रहा था तो राखी इस समय बांधना चाहिए, उस समय नहीं बांधना चाहिए। जब जहां भाई बहन का प्रेम का एक रिश्ता है, एक नाता है, एक विश्वास है, एक अटूट प्रेम है, वहां भी मुहूर्त चाहिए। प्रेम के लिए भी मुहूर्त चाहिए। प्रेम तो निस्वार्थ प्रेम होता है। प्रेम उसे ही कहा जाता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, जिसमें कोई आरोपण नहीं। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम अपना और पराया नहीं देखता है। प्रेम तेरा और मेरा नहीं देखता है। प्रेम निस्वार्थ होता है और वह प्रेम सबके साथ होना चाहिए। उसके लिए भी पंडितों ने जाल फेंका कि भद्रा काल चल रहा है, लेकिन लोगों को समझ में आई बातें और वहां से उबर निकले। लेकिन इतना बात भी समझ में नहीं आएगी जब कहेंगे तुम शादी कर रहे हो, मुहूर्त ठीक नहीं है, तो पंडितों के चाल में फिर फंस जाएंगे। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं। जब आदमी पैदा होता है तब मुहूर्त नहीं देखता है। जब आदमी पैदा होता है तब मुहूर्त नहीं देखता है। जब आदमी मरता है तब मुहूर्त नहीं देखता है। ये जीवन का अंत, शुरुआत और अंतिम गेट, जो जीवन का शुरुआत ओपनिंग है और जीवन का जो अंतिम कहना चाहिए क्लोजिंग है, उस पर कोई मुहूर्त नहीं देखता है। कोई नहीं सोचता है कि अब मरूं कि अब जन्मूं, कोई मुहूर्त नहीं। और जब जीवन को संवारना चाहिए, जीवन को सजाना चाहिए, जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए, तब मुहूर्त देखता है। गाली देने के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। निंदा चुगली के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। चोरी के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। हिंसा के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा कर्म करने के लिए मुहूर्त चाहिए। घर में शादी करना है तो मुहूर्त चाहिए। घर ओपनिंग करना है तो मुहूर्त चाहिए। अच्छा काम करना है, गाड़ी खरीदना है तो मुहूर्त चाहिए। और कुछ करना है तो मुहूर्त चाहिए। कैसा आदमी भटका हुआ है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जहां तक समझते इन बातों को समझिए और अपने इर्द गिर्द। और बहनों माताओं से निवेदन है कि अपने मायके वालों को सबको बताइए कि ये क्या चीज होता है। ये आदमी का चाल है, बस ब्राह्मणों का चाल है। कुल मिलाकर के कहना चाहिए। अब ब्राह्मण कौन? ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं ब्राह्मणों की, ये जातिवाद ब्राह्मण के लिए है। लेकिन कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं जो जातिवाद के होते हुए भी जाति से ब्राह्मण है लेकिन उनका कर्म ही ब्राह्मण है। कर्म ही ब्राह्मण है। जिसको आत्मज्ञान हो, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो, जिसको साधना प्रायण जीवन जीता हो, जो किसी के लिए अन्याय अत्याचार न करता हो, किसी के साथ खुरापात न करता हो, किसी के साथ कपट का भाव न करता हो, वास्तव में वो ब्राह्मण है, वास्तव में ब्राह्मण है। और जो आदमी ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद, आत्मज्ञान हो जाने के बाद किसी को मुहूर्त के चक्कर में नहीं भटकाएगा, किसी को मुहूर्त के चक्कर में नहीं भटकाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मुहूर्त के चक्कर में ना पड़िए। मैं अपनी बात में पुनः आऊं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, करु बहिया बल आपनी। ऐ लोगों, अपने बाहुबल पर भरोसा रखो। जितना हम अपने बाहुबल पर विश्वास रखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और बाहुबल पर विश्वास का मतलब यह है कि आने वाली पीढ़ी को भी वो चीज सिखाए। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग, अब
याद आ गई। अब कबीर पंथ में जो कबीर पंथ की शिक्षा लेने वाले हो, चाहे राधा स्वामी वाले हो, चाहे गायत्री वाले हो, इतने अच्छे मत पंथ और संप्रदाय ओम शांति वाले हो, सभी अच्छे हैं। ये अच्छाई उसमें नहीं दिखती है। अब उनके पंथ वाले क्या कर रहे हैं, अन्य में चलते चले जा रहे हैं, अन्य में चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, जिसको जहां से अच्छी शिक्षा मिल जाए, लेकिन शिक्षा कम मिल रही है, आदमी भटक रहे हैं, तांडव चल रहा है, तांडव भीड़ और तांडव चालू हो चुका है। अभी आने वाला है नवरात्रि, गणेश पक्ष और नवरात्रि, बड़े श्रद्धा के साथ में, बड़े श्रद्धा के साथ में आदमी गणेश पक्ष में गणेश आप कहना चाहिए स्थापित करेंगे और विसर्जन करेंगे, और दूसरे दिन उसको बुलडोजर से साफ भी करेंगे। हकीकत हो रहा है, ये बनावटी बात नहीं है। आज से साल भर पहले की बात है, आपके खरोरा में गणेश की झांसी निकली थी, तो 1 करोड़ रुपए का डीजे लगा था, 1 करोड़ रुपए का डीजे लगा था। क्या मतलब है इसका, चटक मटक में आदमी पैसा को ऐसे बर्बाद कर दे, तांडव में जब वो डीजे चलता था तो जमीन हिलता था, जमीन कितना नुकसान है उससे। ये क्या है, आदमी को आज बस वही दुनिया की कहना चाहिए रौनकता, दुनिया की रिझाने और खिजाने वाली चीज अच्छी लगती है, लेकिन जिस दिन आदमी को सही दिशा में रीझ और खीझ हो जाए, रिश्ता चला जाए, जिस दिन सही दिशा में चलता चला जाए, उस दिन आदमी को ये सब चीज नफरत जैसे लगेगी, नफरत जैसे लगेगी। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को, लिखी लोगों को देखा गया है, जब अपने आप पर विश्वास नहीं होता है, हर कार्य करेंगे विज्ञान के आधार पर, लेकिन जब कोई विषम परिस्थिति आती है तो कोई दूसरा भगवान को मनाने चला जाता है। कोई साथ देने वाले नहीं, हमारा कर्म ही साथ देगा अंतिम में। इसलिए कर्म को सुधारें, कर्म अच्छा रहेगा तो हमारा धर्म अच्छा बनता चला जाएगा। धर्म को सुधारने का सही तरीका है कर्म को सुधारें, और कर्म सुधरेगा तो मन सुधरेगा, कर्म सुधरेगा तो पूरा परिवार सुधरेगा। कर्म को संचालित सही करें, और कर्म को संचालित कहां से होगा, कर्म को संचालित करने के लिए मन से संचालन होगा, और मन को संचालित करने के लिए सही सत्संग की जरूरत है, सही सत्संग की जरूरत है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को इस सत्संग के बारे में ज्ञान चर्चा होना चाहिए। जब तक हमको ये ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम को अपने आप पर विश्वास नहीं। विश्वास की बात आती है तो मैं कहा करता हूं, आदमी को अपने आप पर विश्वास नहीं है। किस पर विश्वास होता है, जब आदमी नया मकान बनाता है तो आदमी नींबू और मिर्चा लगा देता है, उस पर विश्वास होता है। इतने बढ़िया ढंग से इंजीनियरिंग से नक्शा बनाया जाता है, उस पर विश्वास नहीं होता है। नींबू और मिर्चा गूंद करके एक धागा में डाल देते हैं, उस पर विश्वास होता है। आदमी अच्छा मकान बनाता है, और मकान बनाने के बाद में उसमें कुछ नजर न लगे ये सोच करके आदमी क्या करता है, आदमी मकान के ऊपर में टायर लगा देता है या काली हंडी लटका देता है। एक संत ने कहा, यदि ऐसे ही विश्वास है तो आदमी को अपने ऊपर एक हंडी लटका देना चाहिए, उसको मौत की कभी नजर नहीं लगेगी, मौत की नजर नहीं लगेगी। आदमी जब अच्छे अच्छे, मैं कई बार कह चुका हूँ, आदमी इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी लेता है, और गाड़ी लेने के बाद में उस गाड़ी के इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता है, उसको एक लाल चुनरी पर भरोसा होता है। ये आस्था भी अजीब चीज है, लेकिन जो होना रहेगा वो होगा। लेकिन आस्था बुरी नहीं है, लेकिन अच्छी आस्था होना चाहिए। एक आदमी है जो किसी को इष्ट मान लेता है, भगवान मान लेता है, और उसके हिसाब से कर्मों को सुधारता जाता है, तो वो बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन अधिकतम लोग उसके हिसाब से बिगड़ते चले जाते हैं, क्योंकि कोई पावर देने, एनर्जी देने वाला नहीं होता है, कोई उनको हैंडल करने वाला ही नहीं होता है। बस भगवान बना लिया, भगवान के सामने सब चल रहा है, अंडा मांस मछली बकरा सब चल रहा है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भगवान को बिठा दिए, भगवान के सामने सब चलता है। इसलिए आदमी को सही दिशा के लिए सही जगह जाने की जरूरत है, सही संत गुरु की जरूरत है, सही मार्गदर्शक की जरूरत है, सही बड़े बुजुर्गों के पास बैठने की जरूरत है। और ये दिशा सही नहीं होगा तो हम गलत दिशा की ओर चलते चले जाएंगे। इसलिए विश्वास हो तो
गुरु परंपरा पर विश्वास होना चाहिए, गुरुओं पर आस्था करना चाहिए। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गग्गा गुरु के वचन ही मान। एक ज्ञान चौथी समय आता है, ऐ लोगों गुरु के वचनों को मानो। दूसर शब्द करो नहीं कान, दूसर शब्द क्या है, यही भ्रामक शब्दों से बचने के लिए कहते हैं। भ्रामक शब्दों से बचते चले जाइए, जितना ही हम भ्रामक शब्दों से बचेंगे उतना ही हमको आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान के लिए सबसे ज्यादा आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा कबीर साहब की वाणी से। बहुत सारे संत हैं, लेकिन सिर्फ कबीर एक ऐसा निराले संत हुए हैं जिसके पास इतने खजाने रहे हैं। और क्यों कह रहा हूं इसको मैं, आज तक ऐसा कोई संत नहीं हुआ है जिनके बातों को पूरे हर मत पंथ और संप्रदाय के लोग स्वीकार करते हो, लेकिन सिर्फ एक कबीर साहब हुए जिसको हिंदू ने स्वीकार तो किया, मुसलमान ने भी स्वीकार किया। मुसलमान ने तो स्वीकार किया, ईसाइयों में उसमें सिख में गुरु ग्रंथ में टोटल कबीर साहब की वाणियां आती है। क्यों ऐसा हुआ, सद्गुरु कबीर साहब किसी पंथ और मत और संप्रदाय से चिपके नहीं थे। और आपको बताऊं, मत पंथ और संप्रदाय की बात कहा तो एक कबीर पंथ भी सद्गुरु कबीर का चलाया नहीं है। कबीर पंथ भी सद्गुरु कबीर ने नहीं चलाया। सद्गुरु कबीर के जाने के बाद में कबीर पंथियों का एक समाज, एक सैलाब तैयार हुआ और उन लोगों से परंपरा चलती आई कबीर पंथ का। सद्गुरु कबीर साहब का नहीं है कबीर पंथ, सद्गुरु कबीर साहब के जाने के बाद शुरू हुआ है कबीर पंथ। लेकिन अच्छा है किसी मत और पंथ, लेकिन एक चीज और कहूं मैं, यदि अपने आप को जानना है, यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो हम इस सब को छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। गायत्री हो, राधा स्वामी हो, ओम नमः शिवाय हो, कबीर पंथ हो, सबसे ऊपर उठना पड़ेगा हमको, सबसे ऊपर उठना पड़ेगा आत्मज्ञान होने के लिए। सारे नियम त्यम अलग जगह, ये पंथ और संप्रदाय इसलिए चलाया जाता है, भीड़ में सही दिशा से हैंडल करने के लिए एक सिस्टम दिया जाता है, भीड़ में लोगों को संचालित करने के लिए एक सिस्टम दिया जाता है। लेकिन जब आत्मज्ञान चाहिए, तब आत्मज्ञान चाहिए तो कबीर पंथ से भी ऊपर उठना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये चीज, कबीर पंथ में हम कहते हैं कि पूजा पाठ ये अलग है, इससे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन 50% कबीर पंथी कहते हैं कबीर साहब का परमात्मा है, कबीर साहब के नाम जपो मुक्ति है, बात दुविधा ही नहीं। हम कहते हैं कि नाम जपने से नहीं बदलेगा जीवन, लेकिन कुछ कबीर पंथी कहते हैं कबीर साहब ही सर्वश्रेष्ठ हैं, नाम जपने से कल्याण हो जाएगा। नाम जपने से नहीं, कर्मों से होगा। हम ये कहते हैं वन तन मन वचन की पवित्रता से कल्याण होगा। इसलिए मैं कहा, एक ही पंथ में कई प्रकार के विचार आएंगे, एक ही पंथ है उसमें कई प्रकार के विचार आएंगे। और जब आत्मज्ञान चाहिए, तब आत्मज्ञान में किसी मत और पंथ के विचार नहीं टिकेंगे। वहां सिर्फ एक रहेगा आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान में सिर्फ अपने आप से मुलाकात होगी। वहां कुछ नहीं, शून्य होगा। इसीलिए ध्यान के लिए, इसीलिए संतजन कहा करते हैं ध्यान करना क्या है। कुछ लोग कहते हैं गुरु के चित्र पर ध्यान करो, कुछ लोग कहते हैं नाद में, बिंद में, श्वास में, शरीर के धड़कनों पर, किसी चित्र में, किसी शरीर में जो सर्कुलेशन हो रहा है, अपने ही शरीर में ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, बहुत सारी विधियां है इसका। ये सब क्या है, मन को एकाग्र करने की विधि है, लेकिन ध्यान नहीं है। मन को एकाग्र करने की विधि है, लेकिन अंतिम ध्यान, जहां अंतिम ध्यान होगा, ना वहां कोई आत्मा होगा, ना परमात्मा होगा, ना कहो वहां कोई देवी होगा, ना देवता होगा, ना वहां कोई गुरु होगा, ना कोई शिष्य होगा, ना वहां कोई भगवान होगा, ना भगवती होगा, सिर्फ आप होंगे वहां। आप एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे, आप जागते स्वरूप रहेंगे, और आप एकदम जागृत स्वरूप में, मन में कोई विचार नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, कोई लहर नहीं, कोई लहर नहीं। पानी में लहर ऊपर लहर पैदा होते चले जाते हैं, और पानी में जब लहर खत्म हो जाता है, तो वही पानी में हमारी परछाई दिखाई देती है। पानी में लहर खत्म होने से पानी में हमारी परछाइयां दिखाई देती है, और लहर है तब हमारी परछाई नहीं दिखाई देती है। जिस दिन हमारे मन से विचार खत्म हो जाएंगे, विचार खत्म हो जाएंगे, कौन से विचार, न भूत का न भविष्य का,
ना भूत का विचार रहेगा, ना भविष्य का विचार रहेगा, वहां क्या रहेगा, एकदम शेष खाली। और वही ध्यान है मूलतः, कोई विचार नहीं। ध्यान के बारे में बातें तो एक चीज और कहूं, एक आश्रम, आश्रम में ही प्रवेश करते ही एक बड़ा सा हाल बना है, और बड़ा सा हाल बना है, उसके चारों ओर कोई तरफ किचन है, कोई तरफ स्टेट, कोई तरफ निवास है, कोई तरफ कहना चाहिए ग्रंथालय है, कोई तरफ और कुछ बना है। आश्रम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिजली पानी का, वो सब कुछ बना हुआ है। एक व्यक्ति आया और संत के पास, संत से मिले और संत सबको घुमा रहे हैं लाइन से। यहाँ संतों का निवास होता है, यहाँ भक्तों का निवास होता है, यहाँ भोजन बनता है, यहाँ स्टोर रूम है, यहाँ ऑपरेटिंग रूम है, सब कुछ। इसमें बीच बीच में संत पूछते हैं, महाराज जी वो क्या है जो बीच में बड़ा सा हाल दिखाई दे रहा है, वहाँ वहाँ क्या होता है? तो संत कहते हैं वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ संत लोग कुछ नहीं करते हैं। फिर भक्त पूछते थोड़ा दूर घूमते, और अच्छा वहाँ क्या करते हैं संत लोग जा करके? फिर वो संत कहते, गुरु महाराज करते, वहां संत जा करके कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। फिर थोड़ा देर घुमाते दिखाते, यह इधर सब्जी उगाया जाता है, इधर धानों की फसल, पूरा सिस्टम से पूरा आश्रम घुमा रहा है। बीच बीच में वो भक्त प्रश्न करता, वहां संत लोग जा करके क्या करते हैं महाराज जी? फिर संत बोलते वहां कुछ नहीं करते हैं। अंतिम में पूरे आश्रम की परिक्रमा कर लेने के बाद में संत पूछते हैं, संत से फिर पुनः पूछते, महाराज जी आपने इसको नहीं बताया? तब महाराज उसको अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, यहाँ संत आकर के बैठते हैं और बैठ करके अपने आप से मुलाकात करते हैं, और अपने आप से मुलाकात करते हैं तो वहाँ कुछ नहीं, शेष कुछ नहीं बचता है, सिर्फ ध्यान होता है। और ध्यान करना ध्यान नहीं है, ध्यान करना ध्यान नहीं है, कुछ ना करना ध्यान है। अंतिम ध्यान का निचोड़ ये है। अगर किसी भी मत पंथ और संप्रदाय के लोग कहते हैं कि गुरु पर ध्यान लगाओ, ये ध्यान का एक आलंबन है, ये ध्यान करना नहीं है, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति है। थोड़ा देर बैठ करके देखेंगे, दो मिनट तो लगेगा, कौन इतने सारे विचार आ रहे हैं, विचारों का बाउंडर चालू हो गया। हम जीवन में जो कुछ किए रहते हैं, एक दूसरे से वार्ताएं हुई रहती है, एक दूसरे के साथ जो भी कर्म हुआ रहता है, हम किसी को तेज बोले, किसी के साथ विनम्रता से पैदा किए, विनम्रता से व्यवहार किए, कोई हमको सम्मान दिए, कोई हमको अपमान किए, ये सारे विचार जब हमारे सामने आ जाते हैं तो लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए ध्यान के लिए बहुत अभ्यास चाहिए, और अभ्यास से नहीं होगा, सिर्फ अभ्यास से ही ध्यान नहीं होगा, कर्मों के सुधार से होगा। हम ध्यान का अभ्यास तो रोज करेंगे, दो घंटा तीन घंटा अभ्यास करते चले गए और कर्म हमारा खराब है, हम कर्म ही रिश्ते खींचते चले जाए, परिवार में समाज में एक दूसरे से रिश्ते खींचते चले गए, बहू से, बेटे से, नाती से, पोते से, भाई से, बहन से, एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती चली जाती है। तो कितना भी हम ध्यान कर ले, कितना भी अभ्यास कर ले, ध्यान नहीं लग सकता है। मैं पुनः अपनी बात पर आऊं, मैं सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति मैंने कहा था, करू बहिया बल आपनी। ऐ लोगों, अपने बाहों बल पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपने आशा, अपने बाहों बल पर आशा भरोसा रखो, और जीवन का निर्माण ऐसे करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवन का निर्माण ऐसे करो कि आपके बच्चे आपको सम्मान दे सके, आपके नाती पोते आपको सम्मान दे सके। आप बच्चे हैं तो आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग, आपके घर के बड़े सदस्य आपको प्यार से सम्मान दे सके। इतनी योग्यता पैदा अपने अंदर करना चाहिए, हमको इस योग्य बनना चाहिए कि हर लोग हमसे प्यार से बात कर सके, हर लोग हमको सम्मान दे सके। सम्मान का मतलब हम बहुत पैसा कमाएंगे तब सम्मान मिलेगा? नहीं, सम्मान ज्यादा मिलता है आदमी को, प्यार ज्यादा मिलता है आदमी को सुंदर स्वभाव से। यदि स्वभाव सुंदर है, जीवन सुंदर है, आचरण सुंदर है, व्यवहार सुंदर है, कर्म सुंदर है, और ये किससे होगा? सेवा से। सेवा से ही सबका दिल जीता जा सकता है, और सेवा से ही मन शुद्धि हो सकता है, सेवा से ही मन शुद्ध हो सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाइए, आने वाले घर के पीढ़ी को सही दिशा में ले जाइए, अपने घर के बहु बेटों को समझाइए। आप पूजा करते हैं उसकी सार्थकता क्या है, उसे प्रश्न करिए, अकेले में क्यों पूजा करते हैं, इससे क्या मिलता है। पूजा करना मना नहीं करना है, पूजा करे वो, लेकिन उसके अंदर एक नए बीज रोपित करना है। आप पूजा तो करो,
लेकिन उसके हिसाब से जिसकी पूजा करते हो उसके अंदर अपने अंदर शिव की पूजा करते हो तो अपने अंदर शिवत्वपन को जागृत करो। श्री राम की पूजा करते हो तो श्री राम जैसे बनने का प्रयास करो। किसी महापुरुष की पूजा करते हो तो उनके जैसे जीवन को बदलो। उनके अंदर एक नए प्रेरणा का अंकुर भरिए। उनके अंदर अंकुरित पैदा होना चाहिए। उनके अंदर एक नए बीज अंकुरित होना चाहिए। और माता पिता के प्रति, घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा से वो भर जाए। वो उस योग्य खुद को बनना पड़ेगा। लेकिन जब हम खुद को तरासेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको सम्मान देंगे। नहीं तरासेंगे तो ऐसे ही पानी फेंक दिए जाएंगे। और जब तरास दिए जाएंगे तो वही पानी 20 रुपया 50 रुपया लीटर में बिकेगा। हम क्या करते हैं, जब अपने जीवन को तरास देते हैं तो वही घर के बच्चे हमको सम्मान देते हैं। और जीवन को नहीं तरासते हैं तो पापा का स्वभाव अच्छा नहीं है, दादा का स्वभाव अच्छा नहीं है, हमसे लोग बात नहीं करते, हमसे लोग नफरत करते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर की पंक्ति, करो वहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। बस इतना ही कह करके अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। परम पूज्यवर साहिब जी के विचार सुनेंगे, उसके पूर्व गढ़सिवनी से श्री मानी श्री मान जीवन साहु जी से आपसे निवेदन है कि आप भी अपना कुछ विचार या पद रखें, फिर पूज्यवर साहिब जी के विचार सुनेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।